दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास घर को तोड़े जाने का विरोध जहां पूरे देश भर में हो रहा है, वही हरियाणा के करनाल शहर में बड़ी संख्या में नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। वही करनाल के हर एक शख्स से हमारी अपील है, कुंजपुरा रोड से होते हुए महावीर दल मंदिर को ये क्रॉस कर रहे हैं, इस रोड पे ना आइएगा, जाम में फंस सकते हैं। वही आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे कुंजपुरा रोड पे सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवक किस तरह से गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी अपील आप सभी से है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, हमारी अपील ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा रोड की, हमारी सभी लोगों से अपील है कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के कुंजपुरा रोड पर करण स्वीट्स के बाहर ये बड़ी संख्या में नौजवान पहुंच चुके हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों से अपील है कुंजपुरा रोड वाली तरफ से, हॉस्पिटल चौक वाली तरफ से, सेक्टर 12 वाली तरफ से कोई भी शख्स ना आए। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि पूरा रूट प्लान हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवक किस तरह से करनाल की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुविधा शोरूम के बाहर पहुंचते हुए नौजवान युवक गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में हमारी सिर्फ अपील है कि रूट प्लान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि लोग जाम में ना फंस पाए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज का प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है? जी, जो तुगलकाबाद में गुरु रविदास महाराज जी का 600 साल पुराना जो मंदिर तोड़ा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया है उसके विरोध में पूरा गुरु रविदास समाज, सिख समाज, वाल्मीकि समाज, समस्त बहुजन समाज इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। या तो हमारे गुरु रविदास जी की जगह वापस दी जाए, नहीं तो हम इससे ही बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अभी हम जी सेक्रेटरी की तरफ जाएंगे, लघु सचिवालय की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग अपनी मांग को मनवाने। आप देख सकते हैं जिला सचिवालय की तरफ प्रदर्शन करते हुए ये लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ये नौजवान युवक हैं। सुविधा शोरूम को क्रॉस करते हुए ये मार्च, और आप देख सकते हैं किस तरह से गुरु रविदास का मंदिर तोड़े जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवक किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी लोगों से अपील है कुंजपुरा रोड पर कृपया करके अभी ना आइएगा, इसके बाद सेक्टर 12 वाली रोड पर ना आइएगा। सेक्टर 12 ये जिला सचिवालय पहुंचेंगे, प्रोटेस्ट करते हुए करनाल उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा रोड पर पहुंच चुका है ये प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन है, जहां जहां ये प्रदर्शन पहुंच रहा है बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने का विरोध, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, सदर बाजार रविदास मंदिर सभा से निकल कर पूरे शहर भर में मार्च निकालते हुए हमारी अपील सिर्फ करनाल के हर एक उस शख्स से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। कृपया करके करनाल के कुंजपुरा रोड पर सेक्टर 12 वाले रूट पर काफी जाम मिलेगा।
किस तरह से हजारों की संख्या में लोग करनाल में सड़कों पर उतरे हैं और किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। जिला सचिवालय पहुंचेंगे ये सभी, हॉस्पिटल चौक पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। से करनाल के कुंजपुरा रोड पर पुराने रणधीर सिनेमा के बाहर पहुंचता हुआ ये मार्च और किस तरह से गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। करनाल के हॉस्पिटल चौक पे पहुंचता हुआ यह विशाल प्रदर्शन, विशाल रोष प्रदर्शन। हॉस्पिटल चौक पर पहुंचता हुआ यह विशाल रोष प्रदर्शन, हॉस्पिटल चौक से सेक्टर 12 की तरफ बढ़ता हुआ, हॉस्पिटल चौक पर पहुंचने वाला है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के हॉस्पिटल चौक पर यह विशाल रोष प्रदर्शन पहुंचता हुआ, हॉस्पिटल चौक से सेक्टर 12 जिला सचिवालय की तरफ जाते हुए। इसलिए हमारी अपील करनाल के हर एक शख्स से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि जो कोई अगर इस रूट पर जाना चाहता है तो कृपया कर एक घंटा इस रूट से ना गुजरे। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है कि हमेशा ये जो दूसरे समाजों के खिलाफ कार्रवाई करती आई है और आज जो इन्होंने दिल्ली के अंदर इनकी नाकाबिलियत की वजह से ये आज दिन देखना पड़ रहा है, कोई समाज को टाइम नहीं दिया गया। आज पूरा भारतवर्ष में हमारा भी कांग्रेस पार्टी का इनके साथ समर्थन है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हर वर्ग को दबाना चाहती है, विशेष वर्गों को दबाना चाहती है, जो कि एक तानाशाही रवैया है। और मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैये के द्वारा ये सारे काम कर रही है, सरकार को बाज आना चाहिए इस पे। मैं समझता हूं कि तुरंत सरकार को इनकी जमीन दे और इनका हक दे देना चाहिए। तो विशाल रोष प्रदर्शन इस समय करनाल के शेफाली रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हुए। लोगों से अपील ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि करनाल में हर एक शख्स तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। अपने सरकार ने, मोदी सरकार ने जो हमारे गुरुदास महाराज का मंदिर तोड़ा है, ये किन्होंने हरकत जो इन्होंने करी है, हमारा समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा।
हम सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे, चाहे हमें जान पे भी खेलना पड़ो। हमारे युवा साथी मरण मारने के लिए तैयार है। हमारी डिमांड है, हमारी मांगे पूरी करे और हमारा मंदिर आराम से छोड़ दे। सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया किसी चीज का, या कोई नोटिस वगैरह कुछ चीज की तैयारी, तो ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से विशाल प्रदर्शन करते हुए ये तमाम लोग ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। स्कूल बस को निकालते हुए सेक्टर बारह पेट्रोल पंप के सामने यह पहुंचता हुआ विशाल रोष प्रदर्शन दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने का विरोध जहां देश भर में हो रहा है, वहीं करनाल में बड़ी संख्या में नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। करनाल के सेक्टर 12 पेट्रोल पंप को क्रॉस करते हुए विशाल रोष प्रदर्शन सेक्टर 12 जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए, हमारी अपील ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। दिल्ली के तुगलकाबाद में आगे आगे पुलिस बल चल रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थाना सिविल एनएसएचओ हो, डीएसपी हो, सभी आगे आगे पुलिस फोर्स और पीछे पीछे विशाल रोष प्रदर्शन सेक्टर 12 की तरफ चलते हुए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें। सेक्टर 12 जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए विशाल रोष प्रदर्शन रविदास सभा के बैनर के नीचे सभी बड़ी संख्या में नौजवान किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल इनके आगे के तैनात है और किस तरह से सेक्टर 12 पेट्रोल पंप को क्रॉस करते हुए जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए यह विशाल रोष प्रदर्शन गुरु रविदास मंदिर सभा के बैनर के नीचे सैकड़ों की संख्या में नौजवान किस तरह से कुछ विश्राम करते हुए, तो ये आप देख सकते हैं। कहां से आप चले थे और क्या मांगे आपको? जी हम गांव इधर सदर का जो हमारे गुरु रविदास मंदिर है वहां पर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा हुए थे और जो जैसा कि पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा तुगलकाबाद में दिल्ली जो सिकंदर लोधी ने 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी को जो जगह दी थी ज्ञान चर्चा के बाद उन्हें अपना गुरु मानकर एक जगह दी थी आश्रम के लिए, लगभग 24 एकड़ की वो जगह है जिस पर सरकार की बुरी नीयत इस समय टिकी हुई है, लेकिन जो समाज है हमारा अपने रहबरों का जो घर है, गुरु घर है, जो हमारा गुरुद्वारा है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, हम उसको खंडित नहीं होने देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम अपना गुरु घर वापिस लेकर रहेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही जाम लगा हुआ ये प्रोटेस्ट करते हुए लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों रोड पर पूरा जाम लगा हुआ है गुरु रविदास मंदिर सभा के बैनर के नीचे किस तरह से यह प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सेक्टर 12 की तरफ आने से बचें, सेक्टर 12 कुंजपुरा रोड पर आने से बचें, भारी जाम आपको यहां मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है हमारा 600 साल पुराना मंदिर ये बीजेपी सरकार ने निकम्मी सरकार ने तोड़ दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारा मंदिर था हमें बना के दे, और नहीं तो हम वो कर पाएंगे तो आज तक इंडिया में नहीं होगा। सेक्टर 12 जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए बड़ी संख्या में नौजवान
जिला सचिवालय सेक्टर 12 की तरफ पहुंचते हुए ये तमाम नौजवान इस रूट पर आने से बचें। जिला सचिवालय के सामने हो, कुंजपुरा रोड हो, सेक्टर 12 जिला सचिवालय के सामने मेन चौक पर जाम लगाकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते हुए हाईवे पर इनको नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग जो है कर दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि अगर हाईवे पर जाने की बात होती है तो किसी भी कीमत पर उनको आगे ना जाने दिया जाए। ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हुए सेक्टर 12 जिला सचिवालय के सामने मेन रोड पर दोनों तरफ से जाम लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी हाईवे की तरफ ना बढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि शहर भर में ये पहुंचे बात कि इस रूट पर ना आए, जाम लगा हुआ है। जिला सचिवालय के बाहर चौक पर अगर आप निर्मल कुटिया से हॉस्पिटल चौक की तरफ जाना चाहते हैं तो किसी भी तरफ से आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि दोनों तरफ जाम लगाया हुआ है। यह लोग हाईवे पर ना चढ़ें इसके चलते बैरिकेडिंग की हुई है और किस तरह से अपना मांग पत्र
प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने पहुंचे हैं। गुरु रविदास मंदिर जो दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़ा गया था उसके रोष स्वरूप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी इस प्रदर्शन में पहुंची है। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 12 चौक की तरफ चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि जाम लगाया हुआ है और किस तरह से अपनी मांग को मनवाने के लिए ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं।